बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खरीत से होंगे। इस टाइम मैं जा रहा हूँ सुनोनो के ऑफिस में, और बाइक मेरे पास है नहीं, ना ही मैं व्लॉग बना पा रहा हूँ। जो बाइक थी वो मैंने ड्राइवर को दे दी है, और दूसरी कोई बाइक थी नहीं मेरे पास। अब दोबारा एक बाइक लूँगा मैं, लेकिन बल्कि मुझे दो लेनी पड़ेंगी। दो इसलिए कि एक मैं ख़ुद रखूँगा और एक फिर राइडर को दे दूँगा चलाने के लिए। बजट का थोड़ा इशू है, और लोकेशन हमने चेंज की हुई है। व्लॉग मैं प्रॉपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। रात भी मैं एक दोस्त के रूम पे गया हूँ, तो वहाँ पे जाके मैंने व्लॉग अपलोड किया है, तो नेट का इशू है। शायद हम जो हमने टेम्परेरी रूम लिया है, जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की है, इंशाल्लाह वो भी आप देख लेंगे आज, तो वो रूम टेम्परेरी है क्योंकि इसका रेंट बहुत ज़्यादा है। उसका रेंट है 4500 रियाल, तो 4500 रियाल नहीं दे सकते, इतना रेंट हम, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल में। यहाँ से मुझे राइट लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो क्रेन लगी हुई है और रास्ता बंद है। बजाय वापस आने का तो पहले ही मैं मुड़ गया हूँ। तो अभी मैं सुनोनो के ऑफिस में जा रहा हूँ। तीसरा दिन है, राइडर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम भी मैं गया था, तो आज फिर मैं जाता हूँ उनको बोलता हूँ कि यार ऑर्डर नहीं है मेरे राइडर के पास, क्या मसला है, कोई इशू है तो फिर बताएँ। तो इंशाल्लाह वो डिस्कस करते हैं। एक कार ड्राइवर है, उसकी यूनिफॉर्म उठानी है। अब टोटल मेरे पास तकरीबन कोई 4-5 हो गए हैं कार ड्राइवर। एक और दूसरी कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके पास 10 हैं ड्राइवर्स, तो उसके साथ फिर डील करनी है। वो 10 ड्राइवर देगा तो टोटल 15 होंगे जाएंगे। 4-5 और भी मैं इंशाल्लाह क्लियर कर लूँगा, तो 20 मैंने मुकम्मल करने हैं ड्राइवर कार के, और 20 मैंने करने हैं बाइक्स के, तो टोटल उसको 40 देना है। क्या नाम है ड्राइवर सुनोनो को। लेकिन मसला ये है कि वो ऑर्डर प्रॉपर देंगे तो काम करेंगे ना, तो इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ क्या नाम है बंदे के पास सुनोनो के ऑफिस में, तो उनको बोलता हूँ कि भाई ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हमें। वो दूसरे बंदों को 14-14, 15-15 ऑर्डर दिए हुए हैं 8 घंटे के अंदर, और हमारे 12-14 घंटे में 2-2, 3-3 ऑर्डर कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। वीज़ा हमने अप्लाई किया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि आपको मैसेज आएगा। अब मैसेज का भी वेट है, देखते हैं अब कब तक इंशाल्लाह वो क्लियर होता है। अल्लाह करेगा आ जाएंगे जल्दी। यार सुनोनो के ऑफिस से होके मैं जा रहा हूँ, अभी मैं पीएरओ के ऑफिस जाऊँगा, और वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, क्योंकि मैंने अपना जो क्रेडिट कार्ड है ना वो मैंने ब्लॉक कर दिया था, उसको किसी ने वो मिसयूज़ कर रहा था कोई बंदा, तो अब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ले के फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा अप्लाई करूँगा कार्ड के लिए। वो कार्ड फिर ज़रूरी है ना, क्योंकि वो बैलेंस उसमें रहता है, तो वो फिर यूज़ करना पड़ता है बार बार। कॉल भी आ रही है, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, और मैं हूँ भी मेन रोड के ऊपर। चलें पहुँच के ही मैं इससे रब्ता कर सकता हूँ, पहले तो मुश्किल है क्योंकि अब मेन रोड पे निकल चुका हूँ और मेरे पास है ही बाइक। अब ये बंदा कॉल कर रहा है मुझे, दूसरी दफ़ा कॉल कर रहा है। चलें इसकी कॉल सुनता हूँ ना, फिर आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ। मैं यार नजमा मैं पहुँच चुका हूँ, ये सोनार गांव रेस्टोरेंट है बांग्लादेश का। यहाँ से चाय और थोड़ा सा कोई नाश्ता पानी किया, थोड़ी भूख लगी हुई थी मुझे, तो अभी मैं पीआरओ के ऑफिस जा रहा हूँ। वहाँ से ऑफिस
अपने ऑफिस की की मैं उठाता हूँ, मिलती है तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ऑफिस का टूर कराते हैं। और शायद कल से मैं ऑफिस जो है वो ऑफिस में बैठूं प्रॉपर, क्योंकि अब लोग जो है ना वो ऑफिस का पूछते हैं कि ऑफिस किधर है। वो बोल रहा है इधर उधर जा रहा है और कुछ लाइन मिलेगी तो बंदा जाएगा ना, रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका ऑफिस किधर है, तो ऑफिस में बैठना लाजमी है अब, क्योंकि हायरिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ ख़ास तौर पे कार वालों की। तो कार वाले, और ये है भी प्रोफेशनल चीज़ के ऑफिस में बैठें और अपना काम दाम करें, फिर टाइमिंग बनाएंगे सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक, और उसके बाद फिर जो होगा फिर वो अल्लाह मालिक है। फिलहाल एक कॉल आ रही है, मैं इसको सुनता हूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक है? यार पीआरओ के ऑफिस से होके मैं जा रहा हूँ अभी एक दोस्त की लोकेशन पे, डॉक्यूमेंट्स मैंने बना लिए हैं, और जो ऑफिस की है वो बोल रहा है कि कल आके लेके जाओ। तो अभी एक दोस्त है उसकी लोकेशन पे जा रहा हूँ, वो उम्रे पे गया हुआ था तो उनको मुबारक देनी है, और फिर वहाँ से फिर मैं रूम पे जाऊँगा। लोकेशन मैंने लगाई हुई है तो लोकेशन को फॉलो करके मैं वहीं पे ही जा रहा हूँ दोस्त की लोकेशन पे। उनके साथ मैंने जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो इंशाल्लाह अभी प्रोग्राम बना रहे हैं कि ईद पे इंशाल्लाह उम्मीद है कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से कि वीज़ा भी लग जाए और काम भी बन जाए इंशाल्लाह। उम्मीद है इस दफ़ा मेरा वीज़ा लग जाएगा, लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था तो नहीं लगा था, कोई पेंडिंग में आ गया था, कोई रिव्यू में आया था तो उसको उसने कैंसिल कर दिया था। तो अभी भी प्रोग्राम था उनके साथ जाने का, लेकिन मैं वो 50-50 था, एक तो मेरा जो आईडी है वो रिन्यू नहीं था QID, और दूसरा ये कि थोड़ा सा काम भी था पीछे, बस वो जो नसीब में होता है वही मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरी नियत है कि इस दफ़ा उम्रा करेंगे और दोस्तों के साथ फिर कार पे इंशाल्लाह जाऊंगा मैं। फ़िलहाल मैं उनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ, तो वो थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं और इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। अभी मैं उधर से दोस्तों से होके वापस रूम की तरफ जा रहा हूँ, और टाइम बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कल इंशाल्लाह मैं 10-11 बजे आऊँगा PRO के ऑफिस से, मैंने वो चाबी उठानी है ऑफिस की, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ऑफिस का भी अपडेट दूंगा। तो फिलहाल मैं रूम पे जा रहा हूँ, टाइम भी बहुत हो गया है, बाकी कहीं मैंने जाना नहीं है, तो फिर ब्लॉग को मैंने सोचा एंड करते हैं। तो जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।